डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस। लोकेशन का थोड़ा सा जायजा लेंगे, ये ऐसा दिखता है आपका पूरा डिपार्टमेंट। नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग। स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग एक एजुकेशनल ब्लॉग लेकर के आता है जिससे आप अपनी मनपसंद डिपार्टमेंट, फैकल्टी एंड हॉस्टल्स को देखते हैं। हम अभी सिर्फ BHU पे फोकस कर रहे हैं, आगे चल के फ़िलहाल हम अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे भी हाथ लगाएंगे और उस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम हमसे बन पाएगा हम उस पे करेंगे। आज ढेर सारे रिक्वेस्ट के बाद हम आए हैं मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट और यहाँ से एक पढ़े हुए छात्र ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट को शूट किया जाए। तो आज हम मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट देखने वाले हैं और ये मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट क्यों खास है, क्योंकि जब ये IIT BHU नहीं बना था तब का मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर में बना हुआ है। तो आप समझ जाइए, जब 2012 में IIT BHU से IIT BHU बदला तो समझ जाइए कि ये डिपार्टमेंट जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही पुराना है और ये IIT के एरिया में नहीं बना है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये बगल में हम बोल सकते हैं कि जियो फिजिक्स और जियोलॉजी की बिल्डिंग है। तो समझ जाइए जो डिपार्टमेंट और फैकल्टी है वो अगल बगल है और हम आज देखने वाले हैं पूरा मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट और देखते हैं हम इसमें क्या देख सकते हैं और आपको क्या दिखा सकते हैं। कुछ भी चीज़ें छूटेंगी तो आप थोड़ा सा कमेंट करिएगा, हम उस पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा धातुकीय विभाग का, अभियांत्रिकी विभाग का बोर्ड और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो ये आपका पूरा डिपार्टमेंट है। अब लोकेशन का थोड़ा सा जायजा लेंगे, ये ऐसा दिखता है आपका पूरा डिपार्टमेंट। अगर हम बात करें ब्रॉड साइज़ की तो ये इसका ब्रॉड साइज़ कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ लोकेशन का जायजा बताने वाला हूँ। मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रखा गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ऐसा क्यों है कि IIT का एक डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रखा गया है? आप देख सकते हैं कि आपके सामने वहाँ पे है मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट और अभी हम कवर करने वाले हैं मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। ये एक रोड है और सामने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है और बगल में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। ऐसे अगर हम लोग इसको देखेंगे, इस रोड पे चलते चलते अगर हम देखते हैं इस डिपार्टमेंट को तो ये डिपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है। ये जो पूरा एरिया है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंडर में आता है और इधर है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स, दोनों कवर किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। बात करें मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट की तो देखिए IIT का है ये और सामने कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो सामने एक रोड है, उस रोड पे चलते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, मतलब देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। कुछ अगर आप इस डिपार्टमेंट से पहले कभी पढ़ चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा ये दिखता है यूँ रोड के इस पार, मतलब रोड का जो इस पार है, इस पार भी पूरा मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है, इस बगल भी मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है। तो अभी आप आराम से वीडियो को एंजॉय करिए, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के हम हूबहू सामने खड़े हैं और ये दिखने में कुछ ऐसा है। ये IIT BHU का है, ये 2012 से पहले का बना हुआ है, मतलब 2012 में IIT BHU से IIT BHU कन्वर्ट किया गया तो ये डिपार्टमेंट यहीं छूट गया क्योंकि ये बहुत पहले ही बना था। अब हम इस डिपार्टमेंट के हूबहू सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि बिलोंग करता है डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, और ब्रैकेट में लिखा है नीचे सेंटर क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 150th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 22/10/05। तो ये देख सकते हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का ही डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं। और तुम कब आए? क्या हुआ? दोस्तों थोड़ा सा आगे होकर के देखते हैं। आजा आजा दोस्तों। अगर ये जो मैंने अभी आपको पूरा बोर्ड पढ़ाया उसका वहाँ था, और ये भाई साहब भी वहीं मिले थे। और हम लोग आगे आते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यह है मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट BHU का, देख रहे हैं वहाँ पे लिखा है कोरोजन फैटिग्यू लेबोरेटरी फैसिलिटी क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आधुनिक चीज़ों से ये पूरा बना हुआ है, और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ये पूरा। तो दोस्तों ये रहा दूर से अगर हम देखें, हम अभी हमने क्या किया था, वहाँ से उस बोर्ड पे कुछ पढ़ते हुए मैं इधर आया। इधर आने के बाद ये एक बिल्डिंग मिली, अब ये बिल्डिंग हमने देख लिया। देखने के बाद ये देखेंगे मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट की एक और बिल्डिंग है, वो जो पूरी बिल्डिंग है वो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। तो इसको और इधर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये है मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। और मतलब ये सब सारा जो एरिया है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आता है। अगर आपको देखना है तो उधर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है आपका, ये जो ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को प्रेडिक्ट करता है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आते हैं। लेकिन ये जो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है और ये वाला मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, ये दोनों डिपार्टमेंट जो होता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट IIT BHU को बताता है। और थोड़ा सा और चीज़ें अगर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, अगर हम इस रैंप पे ऐसे चलते हैं, चलते चलते कुछ बातें बताऊँगा। BHU में क्या होता है ना कि फ़ोटो खींचना मना है, BHU में आप सांस नहीं ले सकते। और हम क्या कर रहे हैं, हम BHU की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ की कुछ फार्मूला, कुछ जानकारी जो कि लैब में अंदर चल रही है उसकी जानकारी हम लीक कर दे रहे हैं। इतना बड़ा हमारा अवधि नहीं हुआ है। तो अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई एजुकेशनल ब्लॉग बना रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कुछ कर रहा है अपने जीवन में, तो उसको करने देना चाहिए। और जिनका रिक्वेस्ट था मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट का, वो हम आज पूरा कर दिए धीरे धीरे। और दिखा दिया मैंने आपको कि ये लगभग पूरी फैकल्टी जो इंस्टीट्यूट है वो दिखती कैसी है। हमारा नहीं, हम तो भाई आपका सुरक्षा, आपके सेवा के लिए, हम कुछ नहीं कहना है, सेवा के लिए बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पे गार्ड बैठे रहते हैं हमेशा, 12 घंटे नौकरी होती है, 8 घंटे का तनख्वाह मिलता है। लेकिन कोई नहीं, अपना काम परिश्रम से कर रहे हैं। सामने ये मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट हमेशा आपको मुबारक हो, ये अंदर से है, वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं। आगे छोटा सा एक लॉन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट में घुसने का मेन गेट जो एंट्रेंस होता है वो है।
तो लगभग यही है पूरा डिपार्टमेंट, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों 2012 से आईटी को आईआईटी कर दिया गया, तो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट यहीं छूट गया, नहीं तो आईआईटी बीएचयू पूरा मंदिर के उस पार है, इधर है ही नहीं। और एक बार बताइए आप, ये जो आईआईटी बीएचयू का ही है ना पूरा, तो आप आईआईटी गार्ड हैं कि आर्ट्स फैकल्टी के हैं? आईआईटी के हैं, तो आप लोगों को तो पूरा पैसा मिलता है। 8 घंटा आप लोग पूरा ड्यूटी यहाँ पे, एक एक गार्ड बैठ के एक बार में 8 घंटे की ड्यूटी करता है, और पूरा पैसा 8 घंटे का मिलता है? 20,000 रुपये चाचा नहीं मिलता, 24-25,000 रुपये मिलता होगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से ये मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया, जैसा भी लगा हो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है इस ब्लॉग को बनाने में, तो थोड़ा सा इस ब्लॉग को भी आगे बढ़ाइएगा और मेहनत को आगे बढ़ाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।